नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़। मेरा नाम है प्रद्युम्न शर्मा। चले शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। लखनऊ से अपडेट, सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य पर हमला हो गया है। स्वामी प्रसाद मौर्य पर जूते से हमला किया गया है। सपा के सम्मेलन में पहुंचे हुए थे स्वामी प्रसाद मौर्य और उसी दौरान एक शख्स ने जूते से हमला कर दिया है। तो बड़ी जानकारी है, आपको ये भी जानकारी दे रहे हैं। देखिए, तस्वीरें सामने आ चुकी हैं जहां पर जैसे ही हमला हुआ उसके तुरंत बाद सपा कार्यकर्ताओं ने शख्स को पकड़ लिया है और जमकर पीटा है। तो इस वक्त की अहम खबर है, सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य पर हमला हुआ। तो बता दें आपको कि सपा महासम्मेलन में स्वामी प्रसाद मौर्य पर जूता फेंका गया है, वकील के वेश में हमला हुआ है, कार्यकर्ताओं ने जमकर पीटा है शख्स को। तस्वीर आप देखिए। दरअसल आपको जानकारी पूरी दे रहे हैं, लखनऊ में सपा का पिछड़ा वर्ग के महासम्मेलन के दौरान मारपीट हो गई। सपा कार्यकर्ताओं ने एक युवक को पीट पीट कर अधमरा कर दिया है। उस पर आरोप था कि सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य पर उसने जूता फेंका है। ये वाकया होने के बाद पूरे आयोजन में गहमा गहमी हो गई। पुलिस ने युवक वकील की वेशभूषा में पहुंचा हुआ था, आपको बता दें कि उसको पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है, कार्यकर्ताओं से बचाकर अपनी कस्टडी में ले लिया है। युवक का नाम आकाश सैनी बताया जा रहा है। तो फिलहाल युवक का जो नाम है वो आकाश सैनी बताया जा रहा है। संवाददाता अभिषेक हमारे साथ जुड़ चुके हैं अपडेट के साथ। अभिषेक, जिस तरीके से ये हमला किया गया जूते से, पूरा मामला क्या है, विस्तार से बताएं। अभिषेक, मेरी आवाज पहुंच पा रही है अब तक? फिलहाल संपर्क टूट गया, दोबारा संपर्क साधने का जो प्रयास है वो लगातार किया जा रहा है। तो इस वक्त की अहम जानकारी है, आपको बता दें कि सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य पर हमला हुआ है। आपको ये भी जानकारी दे दें कि आकाश सैनी नाम के शख्स ने हमला किया है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देखिए अपनी स्क्रीन पर, लखनऊ से बड़ी खबर इस वक्त की। फिलहाल जैसे ही हमला हुआ उसके बाद तुरंत सपा कार्यकर्ताओं ने शख्स को पकड़ लिया है। और आपको ये भी स्याही फेंकी गई थी दारा चौहान पर, वो भी आप तस्वीरें देख पा रहे हैं। और उससे बाद आपको बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य पर जूते से हमला किया गया है। दो तस्वीरें बहुत महत्वपूर्ण तस्वीरें आपको बता रहे हैं, जहां पर दारा चौहान पर भी स्याही फेंकी गई थी और दूसरी तरफ आज आपको बता रहे हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य पर हमला हुआ है। तस्वीरें आप देखिए, जहां पर दारा चौहान खड़े हुए थे, एक शख्स आता है और उसी दौरान स्याही उनके मुंह पर फेंक देता है, जिसके बाद शख्स को पकड़ लिया गया था। और अब से कुछ ही देर पहले सपा के सम्मेलन में पहुंचे हुए थे स्वामी प्रसाद मौर्य, जिन पर हमला हो गया, जूते से एक शख्स ने हमला कर दिया है। तो आपको बता दें कि लखनऊ में सपा का पिछड़ा वर्ग महासम्मेलन के दौरान मारपीट हुई है। सपा कार्यकर्ताओं ने एक युवक को जमकर पीटा है, आरोप यह है कि उसने स्वामी प्रसाद मौर्य पर जूते से हमला किया था। फिलहाल पुलिस ने उस शख्स को तुरंत अपनी कस्टडी में ले लिया। एक बार फिर से हमारे संवाददाता अभिषेक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक का रुख कर लेते हैं। अभिषेक, जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य पर हमला किया गया है, क्या कुछ पूरा मामला है? बिल्कुल, स्वामी प्रसाद मौर्य पर जिस तरह से हमला किया गया, एक कार्यक्रम सपा की तरफ से बुलाया गया था और जिस शख्स की बात की जा रही है, आकाश सैनी नाम बताया जा रहा है शख्स का। फेसबुक प्रोफाइल पर भी उसने अपलोड कर रखे हैं कई सारे इंटरव्यूज, कई सारे अलग अलग पोस्ट स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर, जो हमें जानकारी मिली है। सोशल मीडिया पर स्वामी प्रसाद मौर्य से खासा इन्फ्लुएंस था, वो ये भी दिख रहा है। लेकिन अचानक ये सब क्यों किया उसने, हालांकि उसे फिलहाल लखनऊ के विभूतिकंड पुलिस के हाथों सौंप दिया गया, यानी उनकी कस्टडी में सौंप दिया गया है और वो फिलहाल विभूतिकंड पुलिस की कस्टडी में है। उससे पूछताछ हो रही है, क्यों किया उसने ऐसा, किसी के कहने पर किया, कब से ये लगा हुआ था इस काम को करने के लिए, आज ही के दिन ऐसी घटना को अंजाम क्यों दिया और क्या कुछ मंसूबे थे इसको करने के पीछे, ये सारी जो बातें हैं वो निकल कर अभी कुछ समय में सामने आ जाएंगी। ऐसे में पुलिस अधिकारी से बातचीत हो पाई आपकी? कि आका जी सवाल अभिषेक, अभिषेक पुलिस अधिकारी से बातचीत हो पाई है क्या, क्योंकि कस्टडी में ले लिया गया है तो कुछ भी अपडेट मिल पाया? बिल्कुल, पुलिस अधिकारियों से जो बातचीत हुई है उनका कहना है कि संदिग्ध परिस्थितियों में आकाश को गिरफ्तार किया गया, क्योंकि लोग आक्रोशित हो गए थे और वो बुरी तरह आकाश को पीटने लगे वहां पर, जूता जब उसने फेंका स्वयं प्रसाद मौर्य पर, उसके बाद से ही उसे किसी तरह वहां से निकाला गया और फिलहाल उसे विभूतिखंड थाने ले जाया जा रहा है, वहां उससे पूछताछ होगी। अभी क्योंकि वक्त बहुत नहीं हुआ इस घटना को हुए, इसीलिए अभी फिलहाल उसे एक जगह पर, सुरक्षित जगह पर ले जाकर, क्योंकि वहां समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भी खासे आक्रोशित हो गए थे, पुलिस को बहुत मुश्किल था उसको वहां पर सुरक्षित निकालना और अपनी कस्टडी में ले पाना, लिहाजा फिलहाल उससे पूछा जा रहा है। लेकिन प्रथम दृष्टया लग रहा है कि वो बहुत दिन से इस बात की फिराक में था, बहुत दिन से चर्चा में आने की वजह से उसने ये किया,
क्यों किया, ये सारी बातें हैं। लेकिन जो उसकी फेसबुक प्रोफाइल है, इंडिया न्यूज ने जब पड़ताल की और देखा कि उसकी फेसबुक प्रोफाइल पर कई सारे इंटरव्यू स्वामी प्रसाद मौर्य से जुड़े कई सारे पोस्ट पड़े हुए हैं, लिहाजा वो स्वामी प्रसाद मौर्य को फॉलो तो कर रहा था, ये तो बिल्कुल साफ है। और आज उसने ये क्यों किया, ये बातें सामने निकल कर आएंगी। लेकिन इन सारी घटनाओं से उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नया अध्याय शुरू हो गया है, जवाब के बदले जवाब का। और कल किस तरह देखा आपने, घोसी में दारा सिंह चौहान वहां पहुंचे और उनके ऊपर इंक फेंकी गई। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी ने सीधे आरोप समाजवादी पार्टी पर लगाया, उसके बाद समाजवादी पार्टी ने कहा कि वो भाजपा का आदमी है। ये सारी आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गए, लेकिन कहीं ना कहीं ये लड़ाई अब व्यक्तिगत होती जा रही है। जैसे घोसी में उनके ऊपर शाही से हमला होता है, यहाँ आज स्वामी प्रसाद मौर्य कार्यक्रम कर रहे होते हैं, ठीक है एक दिन बाद उन पर इस तरह जूता फेंक कर हमला। ठीक है, आपके पास तुरंत लौट रहा हूँ। इसी बीच जहां पर कार्यक्रम स्थल जहां पर है वहां से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। चंद्रमणि, जो परिस्थिति वहां पर बन गई है, काफी अजीब परिस्थिति है कि एक शख्स ने ही स्वामी प्रसाद मौर्य पर जूते से हमला कर दिया है, क्या कुछ अभी परिस्थिति बनी हुई है वहां पर? जी, अगर बात करें हम यहाँ पे इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान की, तो इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में अब से कुछ ही समय पहले स्वामी प्रसाद मौर्य पर जूते से हमला हुआ है और हम आपको वो तस्वीरें दिखाएंगे जहाँ पर ये हमला हुआ है। ये गेट है, यहाँ से स्वामी प्रसाद मौर्य एंट्री कर रहे थे और तुरंत एक शख्स जो वकील के भेष में था उसने स्वामी प्रसाद मौर्य पर जूते से हमला किया। वो जूते की भी तस्वीरें चाहेंगे हम अपने सहयोगी से कि उन जूते की भी तस्वीरें दिखाएं जिससे ये हमला किया गया है। ये वही जूता है जिससे स्वामी प्रसाद मौर्य पर हमला किया गया, यानी एक वकील की पोशाक में एक शख्स यहाँ पर मौजूद था जिसने अपना नाम आकाश सैनी बताया है और उसने स्वामी प्रसाद मौर्य के आने के तुरंत बाद उन पर जूते से हमला किया। इसके बाद यहाँ पर अफरा तफरी का माहौल देखा गया और कुछ छात्र सभा के नेता भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। अगर अभी की बात करें, आपसे कुछ देर पहले यहाँ पर स्वामी प्रसाद मौर्य पर हमला हुआ है, आप लोगों ने यहाँ पर प्रत्यक्ष ये सब देखा, क्या नजारा था, क्या हुआ? देखिए, वो लड़का जिसने स्वामी जी पर जूता फेंकने की कोशिश की थी, वो लड़का पूरे प्लान के तहत, जहाँ तक लग रहा था क्योंकि वो काफ़ी देर से यहाँ पर टहल रहा था, वो मुझे लगता है कि पूरे प्लान के तहत आया। और सबसे बड़ी चीज़, स्वामी प्रसाद मौर्य जी की सुरक्षा में बहुत बड़ी चूक है। क्या सरकार चाहती है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी पर इससे भी बड़े हमले हों? क्योंकि ये उनकी सुरक्षा में चूक है, सरकार उन्हें सुरक्षा, क्योंकि वो सदस्य विधान परिषद के सदस्य हैं। तो ये जो घटना है ये बहुत ही निंदनीय है, जो भी करवा रहा है उसको सोचना चाहिए कि ये घटना उसको नहीं करवानी चाहिए थी। घटना के बाद क्या हुआ था, जूता जो फेंक दिया गया उसके बाद? देखिए, जब आप कोई गलत काम करते हैं तो उसका खामियाजा भी, लोगों ने, भीड़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा थी उस समय, क्योंकि बाबूजी बड़े नेता हैं तो तमाम लोग यहाँ पर हॉल में, अभी तो भीड़ यहाँ पर कम है, उस समय यह हॉल पूरा भरा हुआ था। तो जब उस लड़के ने ये गलत हरकत की तो भीड़ ज़्यादा थी, अब भीड़ उसको ले गए किनारे, अब उसको बुरी तरह से उसको पीटा, नाम वगैरह भी बताया। चलिए ठीक है, नाम, चलिए ठीक है, तुरंत लौट रहा हूँ चंद्रमणि आपके पास। और इसी बीच इस हमले को लेकर राजू दास का क्या कुछ कहना है वो भी आपको सुनवा देते हैं। प्रसाद मौर्य जी का जूता से किसी ने स्वागत किया है, उनको साधुवाद है। मैं निवेदन करता हूं, एक तरफ समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेता ये कहते हैं कि हम सभी धर्म, सभी संप्रदाय, सभी मत मतांतर को मानते हैं, हम किसी का अपमान नहीं करते, लेकिन उनके पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, रोज रोज सनातन को टारगेट करते हैं, सनातन धर्म संस्कृति को गाली देते हैं एक तरफ, तो लोहिया जी रामायण मेला की शुरुआत करते हैं, दूसरी तरफ उन्हीं के पार्टी के नेता जिस प्रकार से ये कहते हैं कि रामचरित मानस पर बैन लगना चाहिए, प्रतिबंध लगना चाहिए, जलाना चाहिए, हिंदू देवी देवताओं को गाली देना, सनातन को गाली देना, तो सनातनी कब तक बर्दाश्त करेगा? अभी तो स्वामी प्रसाद मौर्य जी के ऊपर जूता चल रहा है, आने वाले दिनों में अखिलेश यादव जी भी जूते से पीटे जाएंगे। तो फिलहाल जिस तरीके से आप राजूदास को सुन रहे थे उनकी तरफ से भी तमाम बातें यहाँ पर कही गई है। अभी दो तस्वीरें आप देखिए, दो तस्वीरें इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती हैं क्योंकि दोनों ही नेताओं पे इस तरीके से हमले हुए, जहाँ पर ये कल की तस्वीर है जो आप देख पा रहे हैं, जहाँ पर आपको बता दें कि
दारा सिंह पर एक शख्स आता है, स्याही फेंक देता है। सुरक्षा में यहां पर भी चूक हुई है। अब वहीं दूसरी तस्वीर आप देखिए, जो पहली तस्वीर है जहां पर आपको बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य पर जूते से हमला कर दिया गया है। दरअसल सपा का सम्मेलन चल रहा था और जैसे ही स्वामी प्रसाद मौर्य, जिस तरीके से हमारे संवाददाता चंदमणि बता भी रहे थे, जैसे ही इन्होंने एंट्री ली उसी दौरान यह हमला हो गया है। संवाददाता अभिषेक का एक बार हम फिर से रुख कर लेते हैं। अभिषेक, हम जिस तरीके से दर्शकों की दो तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर कल की अगर बात कर लेते हैं तो दारा सिंह चौहान पर स्याही से हमला हो जाता है, स्याही फेंक दी जाती है, उसके बाद आज स्वामी प्रसाद मौर्य पर जूते से हमला हो जाता है, क्या परिस्थितियां बन रही हैं? बिल्कुल, जैसा कि मैं जिक्र कर रहा था कि यह पूरी तरह राजनीतिक व्यक्तिगत होती जा रही है। राजनीति विचारों की होती है, राजनीति चुनाव में काम कैसे किया जाए, जनता को क्या मैसेज दिया जाए, इस बात की होती है। लेकिन अब यह राजनीति व्यक्तिगत तौर पर उतारू हो गए एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, चाहे वो कल घोसी में दारा सिंह चौहान पर इंक फेंकने की घटना हो या आज स्वामी प्रसाद मौर्य पर इस तरह आक्रोशित होकर जूता फेंकने की। ये सारी बातें इस तरफ बिल्कुल इशारा कर रही हैं कि कहीं ना कहीं राजनीतिक दलों के अंदर भी आक्रोश इस तरह भरा जा रहा है इनके प्रशिक्षण शिविरों में, कि वो आक्रोश अब कहीं ना कहीं लोगों के अंदर गुस्सा बनकर फूट रहा है और जो व्यक्तिगत तौर पर लोगों के ऊपर निकलता नजर आ रहा है, जो आने वाले वक्त में ठीक नहीं है राजनीतिक दलों के लिए भी। हालांकि स्वामी प्रसाद मौर्य पर इससे पहले भी इस तरह की कई सारी टिप्पणियां हो चुकी हैं, रामचरितमानस के पूरे प्रकरण को लेकर जब उन्होंने प्रतियां जलाने की बात कही थी, लोगों ने उनके कहने पर प्रतियां जलाई भी, मनुवाद की बात की, ये सारी बातें उस वक्त की हैं जो अब धीरे धीरे कहीं ना कहीं धुंधली पड़ रही थी, लेकिन आज से फिर उसे आग देने का काम किया गया इस घटना को करके। हालांकि जिस शख्स ने इस काम को अंजाम दिया है उसके बारे में आकाश सैनी नाम बताया जा रहा है, लखनऊ का ही रहने वाला है, इससे पहले स्वामी प्रसाद मौर्य को लंबे समय से फॉलो कर रहा था उसके। चलिए ठीक है, तुरंत लौट रहा हूं आपके पास। इसी बीच बीजेपी प्रवक्ता संजय चौधरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय जी, जिस तरीके से अब स्वामी प्रसाद मौर्य पर एक शख्स ने जूते से हमला कर दिया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? निश्चित रूप से देखिए, राजनीति में हिंसा का कोई स्थान नहीं है, लेकिन बड़े लोगों को भी विवाद से बचना चाहिए और ये घटना निश्चित रूप से ठीक नहीं है। चीजें संवाद से तय होनी चाहिए और किसी को अधिकार नहीं किसी पर इस प्रकार से सार्वजनिक रूप से किसी राजनीतिक व्यक्ति को अपमानित करे, तो मुझे लगता है ये अच्छी घटनाएं नहीं। लेकिन जिस तरीके से अगर कल की बात कर लेते हैं संजय जी, तो दारा सिंह चौहान पर स्याही से स्याही फेंक दी जाती है, उसके बाद अब यहां पर ये परिस्थितियां बन रही है, सुरक्षा में भी चूक बता रहे हैं, क्योंकि बीजेपी जो सपा कार्यकर्ता है वो ये कह रहे हैं कि सरकार कुछ लग रहा है कुछ और चाह रही है, वो ये चाह रही है कि भाई कुछ और बड़े हमले हो जाए ऐसे नेताओं पर। नहीं, सरकार अगर ये चाह रही होती तो दारा सिंह चौहान जी के ऊपर इस प्रकार की घटना क्यों होती? ये तो अपने आप में समाजवादी पार्टी का राजनीतिक और विद्वेषता को बढ़ाने का बयान है। लगता है कि हिंसा का कोई स्थान नहीं है, इस प्रकार की घटनाएं नहीं होनी चाहिए, ये पार्टी का इस प्रकरण पर इतना ही कहना। चलिए ठीक है संजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और प्रतिक्रिया देने के लिए। तो फिलहाल लखनऊ से जानकारी एक बार फिर से हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। तस्वीर आप देखिए, जैसे ही हमला हुआ उसके तुरंत बाद आपको बता दें कि उस शख्स को पकड़ा गया जिसका नाम आकाश सैनी बताया जा रहा है। पकड़ने के बाद सपा कार्यकर्ताओं ने जमकर पीटा है। गनीमत रही कि पुलिस मौजूद थी, पुलिस ने उस शख्स को बाहर निकाला, अपनी कस्टडी में ले लिया, उससे लगातार पूछताछ की जा रही है। हमारे संवाददाता अभिषेक भी लगातार जानकारी दे रहे थे। इंडिया न्यूज ने जब उस शख्स की आपको बता दें कि प्रोफाइल खंगाली, यानी कि फेसबुक प्रोफाइल जो खंगाली है, उसमें यह चीज साफ तौर पर देखी गई है कि वो लगातार फॉलो भी कर रहा था और उसके बावजूद भी हमला किया गया है, कहीं ना कहीं बड़ा सवाल है। एक बार फिर से आपको ये वीडियो दिखाते हैं हम। अभिषेक हमारे संवाददाता लगातार बने हुए, एक बार उनका रुख कर लेते हैं। अभिषेक कंटिन्यू कीजिए। और इसी बीच समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता आशुतोष वर्मा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशुतोष जी, अब स्वामी प्रसाद मौर्य पर जूते से हमला किया गया है और जिस तरीके की स्थिति वहां पर बनी है, ऐसे में चिंतित स्थिति है ये? नहीं देखिए, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जब सीधे तरीके से लड़ाई पे हार जा रही है तो इश्तिहार दिख रही है किस प्रकार से एक चुने हुए प्रतिनिधि को और कई बार के मंत्री सीनियर लीडर को इस तरीके से व्यवहार करना, ये भारतीय जनता पार्टी की चाल लगती है और कुछ नहीं है। इसको पता है कि किस प्रकार से उत्तर प्रदेश में और पूरे देश में पिछड़े दलित अल्पसंख्यक सब जो है भारतीय जनता पार्टी से मोह अपना उनका भंग हो गया है। तो आज समाजवादी पार्टी का एक बड़ा सम्मेलन चल रहा है,
तो उसके संयोजक के रूप में स्वामी प्रसाद मौर्य वहां पहुंचे, तो इस तरीके की एक बहुत ही सूक्ष्म हरकत की है। हम इसको निंदा करते हैं और भारतीय जनता पार्टी अपनी हार को स्वीकार कर ले, किसी की हरकत कर राजनीति में कोई जगह नहीं होती है। सुरक्षा में चूक मान रहे हैं आप? नहीं, बिल्कुल मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनता पार्टी की सरकार कुछ हरकतें हों जिससे जो है समाजवादी पार्टी और विपक्षियों का जो है गिरे, लेकिन हम साफ बोल देना चाहते हैं कि इंडिया मजबूत है और इस देश ने वो सारी चीजें तैयार कर रखी हैं जो भारतीय जनता पार्टी को आगामी आने वाले चुनाव में इस देश से बाहर करेंगे और इनको जो है 100 के नीचे हम लेके आएंगे और तब पता चलेगा कि क्या किस तरीके का अधिनायक वाद इन्होंने साथ। आशुतोष जी, जिस तरीके से अब से कुछ ही देर पहले बीजेपी प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़े हुए थे, जब मैंने उनसे यही सवाल पूछा तो उनकी तरफ से यह भी कहा गया था कि अगर बीजेपी ऐसा चाह रही होती तो दारा सिंह चौहान पर स्याही क्यों फिकती? नहीं देखिए, वो जो शब्द जिसने दारा सिंह चौहान पर स्याही फेंकी, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कहा कि हम चुनाव हार रहे हैं, ऐसा करने से हमारा चुनाव रंग आ जाएगा और हम चुका लेंगे, लेकिन वो नहीं चुका रहे हैं। चलिए ठीक है, भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके के टैक्टिक्स आती रहती है वो राजनीति करने के लिए मशहूर है। ठीक है आशुतोष जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसी बीच सीधा आपको लिए चलते हैं जहां पर हमारे संवाददाता चंद्रमणि शुक्ला समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं से बातचीत कर रहे हैं, सुनवाते हैं आपको। जी पर हमला करते हैं तो भाजपा और प्रदेश की सरकार को चाहिए उनकी सुरक्षा व्यवस्था के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है उस पर कार्रवाई करे और उनको सुरक्षा देने की जरूरत है, क्योंकि ऐसी घटनाएं कई बार हो चुकी है। क्या कोई बड़ी घटना हो जाए तभी ये कुछ करेंगे, क्योंकि भाजपा सरकार में तो अपराध तो वैसे ही बढ़ा हुआ है। अभिषेक का रुख कर लेते हैं, संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अभिषेक, जिस तरीके से तमाम चीजें जो अब निकलकर सामने आ रही हैं, ऐसे में आप भी बता रहे थे कि फेसबुक प्रोफाइल जब हम लोगों ने खंगाला तो उसमें वो फॉलोअर पता पड़ रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी यहां पर जूते से हमला कर दिया गया है, और क्या कुछ अभी ताजा अपडेट निकलकर सामने आई है? बिल्कुल, स्वामी प्रसाद मौर्य उस कार्यक्रम में पहुंचे थे, लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में ये कार्यक्रम होना था, अखिलेश यादव समेत पार्टी के सभी बड़े नेताओं को यहां मौजूद होना था, और उसी बीच कार्यकर्ताओं की भीड़ में ही आकाश सैनी शामिल हुआ और उसने मौका देखकर अपने जूते से स्वामी प्रसाद मौर्य पर हमला कर डाला। जैसे ही ये घटनाक्रम को अंजाम दिया गया वैसे ही वहाँ शोर चीख पुकार मचने लगी, गुस्से पे आकर जितने भी आक्रोशित समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता थे उन्होंने आकाश को पीटना शुरू कर दिया। वहां पर सुरक्षा के लिए जो पुलिसकर्मी लगाए गए थे उन्होंने तत्काल आला अधिकारियों को ये सूचना दी। आनन फानन में आकाश को वहां से बाहर निकाला गया जान बचाकर, क्योंकि जिस तरह का आक्रोश देखने को मिला बिल्कुल जान बचाना मुश्किल था आकाश की वहां से, और किसी तरह उसे वहां से निकाला गया और फिर एक जीप में बैठाकर उसे वहां से विभूतिखंड थाना भेज दिया गया। विभूतिखंड थाने में अभी उसे बिठाया गया है, उससे जानकारी ली जा रही है, पूछताछ की जा रही है, यहाँ घर कहाँ है उसका लखनऊ में, कौन कौन साथ में रहता है, अपने आप को वकील एडवोकेट बता रहा था वो, क्योंकि प्रोफाइल पर एडवोकेट आकाश सैनी लिखा हुआ है, लिहाजा ये सारी बातें पूछी जा रही हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य पर ये हमला क्यों किया, फेसबुक प्रोफाइल पर जिस स्वामी प्रसाद मौर्य को वो लंबे समय से फॉलो कर रहा है, तो उनके तमाम इंटरव्यूज उनकी तमाम पोस्ट उसने लाइक और फॉलो कर रखी है, उसके बारे में कई सारी बातें लिख रखी हैं, ट्विटर भी खंगाला जा रहा है, ट्विटर हैंडल देखा जा रहा है किस नाम से यूज करता है वो, ये सारी बातें हैं जो सोशल मीडिया के जरिए इंडिया न्यूज आपको बता रहा है। आकाश सैनी जिसने हमला किया स्वयं प्रसाद मौर्य पर आज जूते से। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं, उसके बाद तुरंत हाजिर होते हैं।